हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कतला फिश के बहुत अमेजिंग सा और आसान एक रेसिपी, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कातला फिश। ये कातला फिश को हम पहले से ही क्लीन करके रखे हैं, और अभी ये जो कातला फिश है आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हो। तो चलिए पहले कातला फिश के अंदर हम अभी दे रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक। अभी नमक और हल्दी पाउडर के साथ ये जो फिश है उसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी, और मैरिनेट करके इसको एक घंटे तक ऐसे ही रख देना होगा। मैरिनेट करने के बाद हम इसको एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और अभी हम बनाएंगे एक मसाले। तो इस मसाले के लिए हमें ज़रूरत है एक आधा अनियन और पांच ग्रीन चिली और थोड़ा सा पानी। पानी आप नहीं भी दे सकते हो, अभी यहाँ पे मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अभी इस मसाले को साइड पे रखते हुए हम दूसरे मसाले रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 7-8 जो गार्लिक के क्लोव्स और थोड़ा सा अदरक। और अभी थोड़ा सा मैं पानी दे रही हूँ, और चलिए हमारे मसाला आपको तैयार कर लेंगे। और अभी हम बना लेंगे जो मेन पार्ट है उसको। इसके लिए मैं ले चुकी हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहो तो कोई भी ऑयल ले सकते हो। अभी इस ऑयल को अच्छे से गर्म करना पड़ेगा, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे दो सूखी मिर्ची। ये सूखी मिर्ची थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे आधा चम्मच हींग। अगर आपके पास हींग नहीं है तो नहीं भी दे सकते हो, पर मेरी मानो आप हींग बिल्कुल दीजिए। इस हींग के वजह से आपके कुकिंग में एक अलग ही स्वाद क्रिएट होगा। तो चलिए हींग थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट। गैस के फ्लेम को एकदम कम करना होगा इस टाइम पे, और अभी थोड़ा सा मिलाने के बाद आधा मिनट तक इसको मिलाऊंगी, और इसके बाद हमारे जो फिश है उसको अभी इसके अंदर दे दूंगी। फिश को फ्राई बिल्कुल मत कीजिए, ये जो अनियन के पेस्ट के अंदर फिश को डाल दीजिए। एक बार इस टाइप से ये फिश को पका के देखिए, आपके घर पे सब आपके तारीफ करते रहेंगे। तो चलिए अभी इस फिश को हम स्टीम दे देंगे 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट बाद देखिए हम ढक्कन खोल रहे हैं, और आपको हम दिखा देंगे ये जो फिश का ऊपरी का हिस्सा है, आप देखिए ये थोड़ा थोड़ा कुक होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको पलट देंगे, और अगर आप स्पैचुला के मदद से पलटना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कोई फोक हो और वो फोक के मदद से आप ये फिश को पलट सकते हो। तो देखिए हम इस फोक की मदद से फिश को पलट रहे हैं, ध्यान से पलटना कि मछली टूट ना जाए। तो चलिए इसको पहले कर देते हैं, फिर से हमें इसको 3 मिनट तक ढक के पकाना होगा। तो चलिए 3 मिनट हो चुका है, और हम इसके अंदर दे चुके हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और पूरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया था वो पूरा ही आपको दे देना होगा। तो इस मसाले के साथ मछली को अच्छे से मिलाना होगा, और एक बात की ध्यान बिल्कुल रखिए, आपके जो मसाले हैं उसके अंदर कोई भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। कुछ देर इसको मिलाने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा पानी। ज्यादा पानी हमें नहीं देना है, क्योंकि ये मसाला बिल्कुल अभी तक रेडी नहीं है। तो अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं आधा कटोरी पानी। ये पानी मैं दे रही हूँ सिर्फ मसाले को पकाने के लिए। तो चलिए पहले इस मसाले के साथ मछली को अच्छे से मिला लीजिए, और कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए पकने के लिए। कुछ देर पकने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे आधा चम्मच मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल स्वाद के अनुसार देना, आप जितना तीखा खाना चाहते हो उतना ही आपको ये देना होगा, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए इसको अच्छे से अभी मिला लूंगी। कुछ देर मिलाने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट मेरा मानो ये आप बिल्कुल देना। और अभी हम दे देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये आप शाही जो गरम मसाला पाउडर मार्केट में मिलता है वो भी दे सकते हो, और घर पे भी रेडी करके इसको दे सकते हो। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है, और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही मिलाएंगे, और थोड़ी देर पकाने के बाद अभी हम इसमें दे देंगे एक कटोरी पानी। तो जब तक ना ये पानी के अंदर एक उबाल आ जाए तो तब तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए।
अभी हमारा ये जो ग्रेवी है इसके अंदर उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें दे रहे हैं आधा कटोरी दही। ये दही बिल्कुल घर का बनाया हुआ दही है। तो चलिए अभी दही से ये जो मसाले हैं इसको अच्छे से मिला लूंगी, और ध्यान में रखते हुए फिश के साथ मसाला आपको मिलाना होगा, क्योंकि ये जो फिश है ये फ्राइड नहीं है। अगर आपके फिश फ्राइड नहीं है तो आपके फिश बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये था आज का टिप्स। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को बिल्कुल फॉलो कीजिए। तो चलिए हमारा ये जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अभी हम दे देंगे इसके अंदर आधा चम्मच नमक और इसके अंदर दे देंगे एक चम्मच शुगर। चीनी की जगह आप शुगर फ्री भी यूज कर सकते हो। अभी हम दे देंगे एक कटोरी दही के पानी। दही के पानी मतलब दही की कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला दिया है, और उसके अंदर ये जो घोल कर ये पानी हम ये जो फिश के ग्रेवी के अंदर मिला दिया। तो चलिए हमें इतना ही पानी का जरूरत है। अभी हम दे रहे ग्रीन चिली। आप चाहो तो ग्रीन चिली भी स्किप कर सकते हो, बट मेरे मानो ग्रीन चिली देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ग्रीन चिली की वजह से ये ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा एक खुशबू आता है। तो चलिए कुछ देर इसको ऐसे ही मिलाना होगा, और कुछ देर मिलाने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। और अभी इस टाइम पे ढकने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना होगा। तो चलिए हम 10 मिनट के लिए इसको पका चुके हैं, और 10 मिनट बाद देख लीजिए हमारा फिश बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर अभी हम दे रहे हैं फ्रेश धनिया। धनिया देने के बाद इसको अच्छे से 2 मिनट तक धीमी आंच पे पका लूंगी। और तो चलिए आज का हमारा ये जो फिश का रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। इसको आप बिल्कुल राइस के साथ ही ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म राइस के साथ ये जो हमारा रेसिपी है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल की जो बेल आइकन है उसको बिल्कुल दबा देना। तो फिर जरूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। बाय।